अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। मैं आपके साथ वार्म अप एक्टिविटी कराना चाहती हूँ। अब आप सब मुझे गौर से देखें और मैं जैसा आपके साथ करने के लिए कहूँ आप मेरे साथ उस तरीके से करें। अपने ये दोनों हथेलियाँ लें, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ऐसे रब करें। फास्ट, वेरी गुड। फिर इसको अच्छी तरीके से आंखों पे लगाइए, पूरे मुंह पे फेरिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ एनर्जी आपने गेन की है? तो अब हम सब तैयार हैं, ऑनलाइन तदरीस का आगाज करते हैं कुछ सीखने के लिए। ठीक, अब मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूंगी, आप सब उसे गौर से देखें। उसके बाद मैं आपसे कुछ जो है वो कहूंगी, तो आपको उस पर अमल करना है। आप सब गौर से देखें, मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन कर रही हूं। आप जो है वो उर्दू कवायद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी दहूम जमात का है। उसके बाद हम लोग जो है वो देखते हैं कि आज हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आज मैं आपका वेलकम कुछ अलग तरीके से करना चाहती हूँ। हमने जो है वो एनर्जी ली है, तो देखते हैं हम कि किस तरह से हमारा, मैं आपको वेलकम कहना चाहूंगी। तो हमारा आज का वेलकम है इस अशार के साथ। आप जो सभी यहाँ पर हाजिर हैं, मैं उनकी खिदमत में ये शेर कहना चाहूंगी। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूलते कांटों से भी आई खुशबू। अब आप तो मेरे साथ हाजिर हैं, लेकिन कुछ तुलबा और तालिबात जो यहाँ पर हाजिर नहीं हैं, उनकी खिदमत में भी मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप उसे जरा ध्यान से देखें और उसके बाद आपको मेरे कुछ सवाल का जवाब देना है। तो हम अपनी ऑनलाइन तदरीस के आगाज में आप सबका खैर मकदम करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर आपको अपनी बहन की तारीफ करना है तो आप किस तरह से करेंगे? कोई मुझे बताएगा? कोई भी हैंड रेस करेगा? हंसा पठान, खनसा पठान बताएंगी हमें उसके अपने आप, अपने आप बारे को में करके बताओ। बताएंगे। आप अपनी बहन की तारीफ किस तरह से करेंगे? उसके वालेकुम बारे में अच्छी अस्सलाम तरह रहमतुल्लाह, उसके बरकातहू। बारे में अच्छी खूबियां बताएंगे, कैसे बताएंगी आप? क्योंकि वो एक जुमले में बताइए। मतलब ठीक, उसका अभी रहन-सहन अच्छा है, अदब अखलाक अच्छे ओके, महक उसके। बताएंगी, महक नफीस खान। बहन की तारीफ में एक जुमला बोलिए आप। हेलो,
सलामिकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम लोग कुछ मतलब शेर से अपनी बहन की तारीफ स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें ये जुमला डालेंगे कि जैसे माँ के बाद कोई रहता है तो बहन होती है जो संभालने वाली होती है, फिर उसकी खूबियाँ बयान करेंगे। वेरी गुड। आपको मिलता है कुछ नया गोल्ड कॉइन। आपने अच्छा जवाब दिया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रही हूँ, आप उसे सुनिए। मैंने एक और बच्चे से कहा था कि वो अपनी बहन की तारीफ करे, तो उसने उसको कुछ इस तरह से किया है। आप यहाँ पर इसे गौर से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बहन की तारीफ की गई है। सबका कहना है फूलों का तारों का, सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र संग रहना है। अच्छा, अभी यहाँ पर आप जो है देख रहे हो, जब भी मैंने कहा प्लीज बच्चों आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो है वो यहाँ पर देखा आपने कि किस तरह से शायर ने, हमने न, आप अभी एक जो है वो तालिबे इल्म ने नसर की शक्ल में अपनी बहन का तारुफ पेश किया। हम इस तरह से कहते हैं हमारी बहन अच्छी है, हमारी बहन जो है वो हमदर्द एक दिल रखती है प्यारा सा, लेकिन शायर हजरत जब इसकी तारीफ करते हैं तो उनका अंदाज इतना निराला होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जो बात कही है वो हमारे दिल को छू रही है ना। यहाँ पर आपने जो है वो वीडियो में देखा हमने कि किस तरह से शायर ने जो है वो कलाम या शायरी में नयापन तनाव पैदा करने के पुर असर अमल को सनत कहते हैं। आप ये अपने बयाजों में लिख लीजिए कि सनत किसे कहते हैं। आज आपको ये देखना है कि हमारे उर्दू जबान में जो इतनी शिरनी पाई जाती है, सारे जमाने में हमारी उर्दू जबान की जो धूम है वो किसकी वजह से है। वो इन्हीं जो है वो कलाम में नुदरत पैदा करना, सनतों का इस्तेमाल करना, इसी की वजह से तो हमारी जबान में जो है वो शीरी जबान कहलाती है हमारी जबान। तो हमें ये देखना है कि सनत किसे कहते हैं, कलाम या शायरी में नयापन तनव पैदा करने के पुर असर अमल को सनत कहते हैं। आप सब जो है वो इसको अपने बुक में उतार लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सनत जो है वो किस तरह से हमारी उर्दू शायरी को जो है वो चार चांद लगाने का काम करती है। एक अब इसके बाद में आपको ये चार चांद लगाना किसे कहते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड बता रही हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे बल्ब नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो आपको एक बल्ब जो है वो मुनफरिद अंदाज में नजर आता है, जो आज की हमको अपनी तारीख बता रहा है कि आज 28 तारीख है, 8वां महीना और 2020 का साल शुरू है। ये इतना मुनफरिद अंदाज में जो है वो रोशन क्यों है, क्योंकि इसने आप अपने आप को पेश करने के लिए एक अलग अंदाज इस्तेमाल किया है। इस तरह से जब शायर अपने कलबी एहसासात को जामे और सहर अंगेज तरीके से पेश करता है तो उसे सनत निगारी कहता है। चूंकि शायरी खूबसूरत इजहार का फन है, इसलिए इसमें हुस्ने बयान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। कलाम में मजीद हुस्न व लताफत और मजीद मानी पैदा करने को हम सनत कहते हैं। ये सनत क्या है? क्या सनतों का इस्तेमाल शायरी कहलाता है? नहीं,
सनतों का इस्तेमाल करना शायरी का मकसद नहीं होता, लेकिन सनतों के बगैर शायरी थोड़ी अधूरी लगती है, क्योंकि शेर में तासुर पैदा करना सनत इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। कलाम की तज़ईन और शेर की मानवियत दोनों को बढ़ाता है। तो हमारा आज का उन्वान है सनाए बदाए। हमारा आज का उन्वान है सनाए बदाए। सनाए बदाए ये उन्वान आप अपनी बयाज में लिख लें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तदरीस के बाद हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगे, हम क्या क्या सीखेंगे, हमारे मकासिद क्या है। एक कोई तालिब इल्म पढ़ेगा मकासिद क्या है। सईदा खान जिन्होंने हाथ उठाया है, सईदा खान मैं पढूं? हाँ पढ़िए, वेरी गुड। नंबर एक, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बार बार सलाम नहीं करेंगे तो भी अच्छी चलेगा। आप डायरेक्ट जो मैं कह रही हूँ आप वो डायरेक्ट पढ़िए, ठीक है? मकसद पहला, तालिबे इल्म सबका इल्म बदिये की मालूमात का अहादा करेंगे। वेरी गुड। दूसरा, इल्म मदिया की मालूमात के जरिए नई सनतों से मुतारिफ होंगे। तीसरा, तालिबे इल्म शार फहमी और दादो तहसीन कर सकेंगे। वेरी गुड। आपने पढ़ा, आपको मिलता है सिल्वर, आपको मिल रहा है सिल्वर कॉइन, ठीक है? उसके बाद अभी हम लोगों ने जो सीख रहे अभी हम जो सीख रहे हैं हम देखेंगे सनाए बदाए। तो हमारी सनाए बदाए क्या है, सनाए बदाए क्या है, तो आपको ये बता दूं कि अभी अभी मैंने आपसे कहा ना, सनते किसे कहते हैं, कलाम में नयापन या जिद्दत पैदा करना सनते कहलाती हैं। तो सनाए सनत की तारीफ है और बदी की तारीफ बदाए हैं, ठीक है? यानी कलाम में मजीद हुस्न और तासुर पैदा करने के लिए जो तरीके और तरकीबें अपनाई जाती हैं इन्हें सनाए बदाए कहा जाता है। इसकी दो किस्में हैं, सनाए लफ्जी और सनाए मानवी। सनाए लफ्जी में शेर की सिर्फ लफ्जी खूबियां वाजी होती हैं और सनाए मानवी में मानवी मानी के जरिए हुस्न पैदा किया जाता है, ठीक है? आप लोग अभी इसको जो है वो इसका स्क्रीन शेयर निकाल लीजिए और अपनी बयाज में लिख दीजिए। अब आप ये हमको समझ में आ गया कि सनाए बदाए से मानी और ज्यादा शेर का वाजे हो जाता है, यानी सनाए बदाए को हम लोग इल्म बयान भी कह सकते हैं। वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नीत नए अंदाज निकाले जाएं। इल्म बयान हमें ये सिखाता है कि किस बात को किस तरह मुख्तलिफ अंदाज तरीकों से बयान किया जाए कि इसके मानी और ज्यादा वाजे और दिलकश हो। इसी बात को गालिब ने इस अंदाज में पेश किया है, अर्ज किया है, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो सौ रंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो सौ रंग से बांधूं, यानी एक रंग का मजमू सौ रंग से बांधना, यही इल्म बयान है। तो हम आज के इसी उन्वान के तहत आगे बढ़ते हैं। हमारे सनाए बदाए में हमने पिछली इसमें जो है पढ़ा है उसका जो है पहले मैं आपसे थोड़ा सा अयादा कर लूंगी। हमने कौन सी सनतें देखी थी उसके हिसाब से, और आपको मैंने हमेशा अपने तदरीस में कहा है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारे दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि हमारे समझ में तब्दीली आएगी, दूसरा ये कि हम जिस क्लास में हैं उस क्लास के भी तकाजे हमको पूरा करना है। तो आप सब जो है वो एसएससी का
आप सब एसएससी के तालिबे इल्म हैं, तो आपको उर्दू के सरगर्मी नामा जो पूछा जाएगा उसमें सनते दो नंबरात के लिए पूछी जाती हैं। आपको इसका ध्यान देना है कि सनते दो मार्क्स के लिए पूछी जाती है। यहाँ पर मैं कुछ अशार दे रही हूँ, आप इन अशार को पढ़िए या मैं पढ़कर सुना रही हूँ, आप मुझे बताइए ये कौन सी सनत है। मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत, कौन सी सनते हैं कोई बताएगा? सनत तजाद। वेरी गुड, सनत तजाद। आपको गोल्ड कॉइन मिलता है। उसके बाद, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर, कौन बताएगा? किसने रेज हैंड किया है? चलिए बताइए, शेख शाहिना। सनते मुबालगा। वेरी गुड, आपको भी दिया जाता है गोल्ड कॉइन। आप तो वार्म अप एक्टिविटी में काफी एक्टिव होकर बैठे हमारे साथ, माशाल्लाह। उसके बाद तीसरा शेर है, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने, ये बताइए? सनत तलमी। वेरी गुड, आपको भी जो है वो गोल्ड कॉइन दिया जाता है। उसके बाद मुबारक हो आपको। चौथा शेर, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तजबिया। वेरी गुड, वेरी गुड, तजबिया। वेरी गुड, ठीक है, आपको भी गोल्ड कॉइन दिया जाता है। आज तो मेरे बच्चे सारे गोल्ड कॉइन ही लेकर जा रहे हैं मुझसे, वेरी गुड। अब इसके बाद हम हमारे आज के उनवान पर आते हैं के आपने आज का जो है वो रिवीजन किया। मन के हारे हार है प्यारे, ये सनते तजाद। गर्मी से मुस्तरिब था, ये वाला सनते मुबालगा। नारे नमरूद को किया गुलजार, सनते तलमी। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, सनते तशबिया। वेरी गुड, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए आपको कुछ, अब बैठे बैठे हम लोग थक गए हैं ना, तो मैं आपको कोई सफर करवाती हूँ। अब उस सफर के लिए हम लोग जो है वो कौन से इसमें जाना पसंद करेंगे? पहले हम समंदरी सफर करेंगे। चलिए, बच्चों ने कहा है पहले समंदरी सफर करते हैं। तो अगर समंदर में सफर करते हैं तो हम लोग कौन सा जरिया इस्तेमाल करते हैं? कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बोट। बोट का, हवाई जहाज। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है, तो आप देखिए ये बोट जो है वो किस तरह से हमको हमारे सफर पर लेकर चल रही है। अब हम जो है वो हवाई, और जब हम हवा में सफर करते हैं तो हम किस जरिए का इस्तेमाल करते हैं? चलिए चलिए, हम हवा में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज का। वेरी गुड, शाबाश। तो अब जब इसी तरीके से हम रेगिस्तान का सफर करेंगे तो हम कौन सा जरिया इस्तेमाल करेंगे? ऊंट। ऊंट का, यानी अभी हमने रेगिस्तान में बेटा घोड़े का सफर नहीं किया जाता, रेगिस्तान में जो है वो ऊंट का जो है वो सबसे अच्छा जरिया सफर करने का ऊंट को माना जाता है। अब देखो, ऊंट रेगिस्तान में पानी के जहाज जैसा है, ऊंट रेगिस्तान में हवाई जहाज जैसा है। आपको जैसा लफ्ज यहाँ पर नजर आ रहा है दो जगह? हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखिए। अब आप जैसा और जैसा आपको यहाँ दोनों जगह नजर आ रहा है, तो ये कौन सी सनत थी हमारी, बताइए? आपने ये कल पढ़ा और अभी आपने बताया भी है, जैसा इस्तेमाल किया गया है, किसी का जरिया लिया गया है, तो ये सनत कौन सी है? सनत तशबी। वेरी गुड, सनत तशबिया। वेरी गुड, सनत तशबिया या सनत तशबी। आपको भी मिलता है गोल्ड कॉइन, मुबारक। उसके बाद अगर अभी आपको मैं एक जो बता रही हूँ कि ऊंट रेगिस्तान में हवाई जहाज जैसा को मैं इसमें से कुछ कट कर रही हूँ अभी अल्फाज, तो आप इसको देखिए कि ऊंट रेगिस्तान जहाज है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी, कोई बताएगा मुझे पढ़कर? जल्दी से बता दीजिए। ऊंट रेगिस्तान जहाज है।
ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने यहाँ पर जरिए को हटा दिया है। मैं किस जरिए से जा रही हूं, मैं वो हटा दी हूं। मैंने इसे बराए रास्त कहा है, मैंने इसे डायरेक्ट कहा है। ऊंट रेगिस्तान में हवाई जहाज जैसा है मैंने नहीं कहा है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है कहा है। तो इस तरीके को हम जो है वो सनते इस्तियारा कहते हैं। तो अब उसकी तारीफ देखेंगे हम सनते इस्तियारा की, जिसको आपको गौर करना है। हुर्फे तशबी के बगैर एक चीज को दूसरी चीज कह देना इस्तियारा कहलाता है। ये आप सब अपनी बयाज में अच्छी तरीके से लिख कर रखेंगे, क्योंकि बाद में मैं आपसे इस पर एक गूगल फॉर्म जो है वो आपको पूर करना है और उसे मेरे पास सबमिट करना है। तो उसमें जिसको सबसे अच्छा मार्क्स मिलेगा, मैं उसको आपको एक सरप्राइज आपके लिए कुछ फिर जो है वो यहाँ पर आपको दूंगी, ठीक है। जिसने 10 में से 10 मार्क्स लिया है, मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी बता रही हूँ, जिसमें एक माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है और उसके इसमें जो है वो चांद की तस्वीर नजर आ रही है। अब ये माँ क्या कह रही है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, है ना। माँ अक्सर गुनगुनाती है तो इसी तरीके से कहती है ना। अब यहाँ पर आप जो है वो देख रहे हैं कि लाल में मैंने इस्तियारा कहा है तो उसे मैंने लाल रंग से जाहिर किया है, और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको मिसालें दी हैं उसमें चंदा, सूरज, तारा, ये तीनों को मैंने लाल रंग से जाहिर किया है। यानी आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये तीनों का ताल्लुक जो है वो इस्तियारा से जो है वो जुड़ा है। उसके बाद मैंने आपको तू 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 यहाँ पर ब्लू नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारे इस्तियारे में जो है वो हमारी तारीफ आ गई। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि माँ ने चांद को बच्चे से अपने कलेजे के टुकड़े से जोड़ा है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि माँ ने जोड़ा है लेकिन बगैर किसी बिलरास्त ना कहते हुए उसे बराए रास्त जोड़ दिया है। तो इस्तियारे के अरकान भी हम लोग देखते हैं, जिसमें अरकाने इस्तियारा में है मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। अब यहाँ पर देखो आप ये बात ध्यान दो कि मुस्तार लहू में आप ये देखोगे कि माँ ने ये बच्चा जो आपको नजर आ रहा है ना छोटा सा, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, वो बच्चा, इसको सिफत जो है वो क्या की गई है, इसको सिफत के लिए, जिस चीज के लिए सिफत ली गई है तो वो क्या है, वो बच्चा है। तो ये मुस्तार लहू कहलाता है। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद किस चीज से सिफत ली जा रही है, यहाँ पर चंदा से ली गई है, सूरज से ली गई है, तारे से ली गई है, तो ये मुस्तारे मिनहू है। जिस चीज से सिफत ली जाए तो वो क्या है, चंदा है, सूरज है और तारा है। अब सिफत लेने में, अब देखो जिस चीज के लिए सिफत ली जाए और जिस चीज से सिफत ली जाए, जो दोनों में कुछ ना कुछ ताल्लुक होना चाहिए, तो उस ताल्लुक को वजह जामे कहा जाता है। यानी जिस ताल्लुक की वजह से वो जो है वो उस चीज से सिफत ली गई है। तो यहाँ पर वजह जामे क्या है, वो खूबी जो दोनों में मुश्तरक है। माँ के लिए चंदा क्या है, उसका बेटा जो है वो माँ के लिए क्या है, खूबसूरत है। तो चंदा भी खूबसूरत होता है, इसीलिए मेरा बेटा भी खूबसूरत है। अब माँ ने उसे चांद कहा है। अब जो है वो सूरज भी जो है वो माँ, बच्चा जो है वो माँ के लिए रोशनी है, सूरज रोशनी देता है, तो माँ ने उसे रोशनी कहा है। अब तारा है, मेरी जिंदगी में बच्चे से चमक है, तो उसे चमक कहा है। अच्छी तरीके से समझ में आया, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल ले और बयाज में मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे लिख ले। मैं एक मरतबा फिर से दोहरा रही हूँ, हुर्फे तशबी के बगैर एक चीज को दूसरी चीज कह देना इस्तियारा कहलाता है। इसको मैं एक और मिसाल के साथ आपके साथ समझाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, आपको एक शेर के मैंने लिखा है, आप उस शेर को देखिए।
एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। ये जो है वो अब यहाँ पर मुस्तार लहू कौन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। आबिदा जरीन बताएंगी मुस्तार लहू क्या है, इसमें किस से तशबीह दी गई है, उसको किसको तशबीह दी गई है यहाँ पर? वेरी गुड, एक यानी मिर्जा गालिब को यहाँ पर तशबीह दी गई है। इस्तियारा जो है वो यानी यहाँ पर जो है वो बराए रास्त मिर्जा गालिब को ही इस्तियारा जो है वो कह दिया गया है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, मुस्तार मिन्हू चिराग उसको कहा गया है, यानी शहर में एक चिराग था। वजह जा में क्या बताई गई है हमको? साबे फहम। आप सब गालिब को अच्छी तरीके से जानते हैं, गालिब जैसा जो है वो शायर सदियों में पैदा होता है, तो वजह जा में उसकी साबे फहम है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अच्छी तरीके से इसको भी अपने बयाज में लिख लें, यानी हमारे इस्तियारे का जो है वो हमारा इस्तियारा हमको अच्छी तरीके से समझ में आया। जवाब दे सब अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा सनते इस्तियारा अच्छी तरीके से हो गया। अब मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहती हूँ। इनमें मुख्तलिफ कौन है, चलिए जल्दी बताइए। मेरे पास फूल है, चमन है, बाहर है, दरवाजा है, पत्ते हैं। अब आप मुझे दरवाजा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको मिलता है सिल्वर कॉइन। यहाँ पर मेरा दरवाजा जो है वो ऑड मैन आउट है, हम इसको निकाल देते हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं। अब उसके बाद हम दूसरे इस पे आते हैं, इसमें बताइए दरिया है मेरे पास, रवानी है, रुमाल है, लहर है, जोश है। अब इसमें कौन सा मेरे मुझे ऐसा लग रहा है रुमाल। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपने भी जवाब दिया, आपको भी मिलता है सिल्वर कॉइन। उसके बाद जो है वो मैं तीसरे इस पे आती हूँ, घर, दीवार, दफ्तर, चौखट, सहन। अब आप इसमें बताइए कौन सा वर्ड मुझे सहन। सहन, वेरी गुड। हैंड रेस करके मुझे एक मिनट, आप फिर से बताइए, घर, दीवार, दफ्तर, चौखट, सहन, फिर से कोशिश करिए। ऑड मैन आउट क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको जो है वो दिया जाता है सिल्वर कॉइन, दफ्तर, सॉरी आपको दिया जाता है गोल्ड कॉइन, दफ्तर। अब आपने अगर यहाँ पर गौर किया है तो इसमें से मैंने फूल, चमन, बहार, पत्ते, ये तमाम अल्फाजों का ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ता है। दरिया, रवानी, लहर, जोश, घर, दीवार, चौखट और सहन, यानी ये तमाम अल्फाज एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रिश्ते में बंधे हैं, इनके मानी एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये हमारी दूसरी सनत है आज की, जो है क्या होगी? सनते नहीं, सनते मिरातुन नजीर। सनते मिरातुन नजीर की हम तारीफ देखेंगे अभी। जब शायर अपने शेर में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करे जिनके मानी एक दूसरे से निस्बत रखते हो या आपस में ताल्लुक रखते हो, तो ये मिरातुन नजीर का शेर कहलाता है। आप सब अपनी बयाज में लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए उसके बाद जो है हम मिरातुन नजीर की और मिसालें देखते हैं। होश वो हवास वो ताब वो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। यहाँ पर वाह वाह क्या शेर है। होश वो हवास ताब वो तवा, देखिए होश हवास ताब तवा इनका ताल्लुक आपस में जुड़ा है, तो ये मिरातुन नजीर की मिसाल हो गई। एक और मिसाल हम देखेंगे जो बहुत ही मशहूर है, आपने सुना है, ये गजल भी गाई गई है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें और अपनी बयाज में लिखते चले। आपको इसका मुझे बाद में सवाल का जवाब देना है। अब आप देखिए यहाँ पर पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, और यहाँ पर होश हवास ताब तवा, ये जुड़े हैं ना अच्छी तरीके से। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भी इसी का अच्छी तरीके से। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। यहाँ पर आप एक जो है वो दायरा देख रहे हैं। इसमें आपको तार लफ्ज जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इस तार लफ्ज से आपको तीन जुमले बनाने हैं। आपको जुमले बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने दिया है कि आपको ये जुमले किस तरह से बनाने हैं। चलिए, कौन बताएगा मुझे कि आप जो है वो पहला किससे जोड़ेंगे? बिजली के तार। चलिए नेक्स्ट, आगे बोलिए। मैंने आपको इतना हिंट दे दी हूं, अभी आप बताइए किस तरह से बिजली के तार। बिजली के तार खंभे पे रहते हैं। बताइए, आपको इसमें से ही चुनना है जो यहाँ पर तीन दिया है। बिजली के, बोलिए कौन बोल रहा है? चलिए, किसने रेज हैंड किया है? तार पर चिड़िया बैठी है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको मिलता है गोल्ड कॉइन। बिजली के तार पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, अब दूसरा, बिजली के तार पर चिड़िया बैठी हमारा हो गया। अब इसका लिबास ये किससे जुड़ेगा? इसका लिबास तार, तार तार हो गया। वेरी गुड, आपको भी मिलता है इसका लिबास तार तार हो गया। अब उसके बाद तीरा वो तार, अब ये किसके साथ जुड़ेगा? रात में वो घर से बाहर निकल पड़ा। वेरी गुड, अब जो आप लोगों को भी मिलता है गोल्ड कॉइन। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग ये देख रहे हैं बिजली के तार पर चिड़िया बैठी है। यहाँ पर तार के मानी आपको ध्यान देना है। इसका लिबास तार तार हो गया, रात में वो घर से बाहर, तीरा वो तार घर से बाहर निकल पड़ा। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो तार के सभी जगह मानी अलग है। तार, बिजली के तार पर चिड़िया बैठी है, इलेक्ट्रिक का वायर आप इसको ये दे दीजिए मानी। इसका लिबास तार तार हो गया, यानी बहुत ज्यादा जो है वो फट फट गया। रात में वो तीरा वो तार घर से बाहर निकल पड़ा, यानी बहुत ही जो है वो अंधेरे में निकल पड़ा। तो आपने देखा कि यहाँ पर सबके मानी अलग है, अल्फाज एक ही है लेकिन उसके मानी अलग है, तो हम उसे तजनीस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तजनीस कहते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप इसे अपनी बयाज में उतारें। अगर हर जुमले में किसी लफ्ज का इमला और आवाज, आवाज पे अलिफ पर आम अलिफ मद आ डाल दीजिए, आवाज यकसा हो मगर हर जुमले में इस लफ्ज के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो इस तरह लफ्जों के इस्तेमाल को तजनीस कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बयाज में लिख भी ले। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि तार वाली मिसाल भी दी है आपको। अब इसके जरिए कौन सी तजनीस हमको हमारे इसमें दी हुई है वो देखना है। आप इसको यहाँ पर नेक्स्ट हमारी स्लाइड देखिए। एक शेर बोल रही हूँ मैं आपके सामने, अर्ज किया है वो माबूद यकता खुदाए जहाँ, वो माबूद यकता खुदाए जहाँ के जिसने किया कौन में कौनो मका, कुन में कौनो मका, कुन में कौनो मका। अब जो है मैंने इसको कुन को दो पहले जो है वो अलग पढ़ी, उसके बाद मैं आपको कुन पढ़कर बताई हूँ पेश के साथ और कौन ओ मका।
तो यहाँ पर देख रहे हो आप कुन और कौन ओ मका में, कौन में सिर्फ एक हर्फ का फर्क है, यही एक हर्फ के फर्क से हमारी सनते तजनी से जायद आती है। आप देखोगे कुन और कौन में वाव एक हर्फ का फर्क है, यानी कुन में एक हर्फ कम है और कौन में एक हर्फ ज्यादा है, तो इस सनत को सनत तजनी से जायद वो नाकिस भी कहा जाता है। हम इसी का दूसरा शेर लेते हैं। चर्क तक हो गया है पानी जो, माँ वो माही एक जाहर दो। यहाँ पर कौन सा लफ्ज हमको जो है वो नजर आ रहा है एक हर्फ या तो जायद है या फिर कम है, कौन बताएगा? माँ वो माही। वेरी गुड, आप लोगों को मिलता है गोल्ड कॉइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शेर, अब बताइए आप लोग। प्रीत है तेरी रीत, प्रीत है तेरी रीत, बसाले अपने मन में प्रीत। यहाँ पर कौन सा लफ्ज जो है वो हमको नजर आ रहा है? प्रीत। प्रीत और रीत पे आपको यहाँ पर या तो ज्यादा नजर आ रहा है या रीत में वो जो है वो कम नजर आ रहा है, आपको भी मिलता है गोल्ड कॉइन। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा, आप इसको अभी स्क्रीनशॉट निकाले, शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें एक ही हर्फ का फर्क हो, यानी एक हर्फ ज्यादा या कम हो, इसे सनत तजनी से जायद कहते हैं और कभी सनत तजनी से जायद वो नाकिस भी कहते हैं। इसको बयाज में लिख लीजिए अच्छी तरीके से, सबके अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो मुझे जो है वो आप चैट बॉक्स में लिख कर भेजें, जो है वो थम्स अप बताएं और अपनी अपनी स्क्रीन पर भी मुझे थम्स अप बता दें तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके अच्छी तरह किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेस करके सवाल कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट और आखिरी सनत जो है वो ये आपको गौर से देखना है। नवी जमात में आपने गालिब का एक कसीदा पढ़ा है, सुबह दम दरवाजे खाविर खुला, इसकी रदीफ है खुला। तो देखो अभी इसको, अभी यही एक लफ्ज कितने मानी में इस्तेमाल हुआ है आपने उस कसीदे में देखा होगा। सुबह दम दरवाजे खाविर खुला यानी दरवाजा खुला सूरज का, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला यानी ये लोग जो है वो तमाशा बताने वाले हमको वाजे धोखा देते हैं, खुसरुए आफाक के मुंह पर खुला, सूरज के मुंह पर खुल रहा है अच्छा लग रहा है। उसके बाद मुझसे गर शाहे सुखने गुस्तर खुला, यानी बेतकल्लुफी के साथ जो है मुझे अच्छी तरीके से जो है मुझे मालूम पड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि खुला लफ्ज जो लिया है उसको कितने सारे अलग अलग मानी में गालिब ने बयान किया है, इसीलिए गालिब को जो है वो जो माना जाता है उर्दू शायरी में, इसीलिए कि आप के वो एक लफ्ज से कहीं कहीं हमारे जो है वो तशरी बयान करते थे यानी उन्होंने एक लफ्ज का उर्दू में कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है हमें ये भी समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक शेर देखते हैं। जान दी देवी उसी की थी, जान दी देवी उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। यहाँ पर हक आपको दो मानी में नजर आ रहा है, हक और हक। पहले हक का मतलब सच है और दूसरे हक का मतलब फर्ज है ना। हक तो यूं है यानी सच बात तो यूं है कि हक अदा ना हुआ, यानी अल्लाह ताला ने हमको जान दी थी कि जो है वो बहुत सारे फर्ज बताए थे, जिसकी थी दी हुई भी अल्लाह की थी, लेकिन सच बात तो ये है कि हमसे वो फर्ज अदा ना हुआ, है ना। एक हक का मतलब सच और दूसरे हक का मतलब फर्ज है। अब आप एक और जो है वो इसकी तारीफ देख लीजिए। शेर में ऐसे दो लफ्ज इस्तेमाल करना जिनमें हुर्फ की तादाद यकसा हो लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ हो, इसे तजनी ताम कहते हैं। आप अपनी बयाज में लिख लीजिए अच्छी तरीके से और इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखिए। देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, सब मुझे थम्स अप बताएं। वेरी गुड। तो शेर में ऐसे दो लफ्ज इस्तेमाल करना जिनके मानी अलग हो बाकी उनमें कहने सुनने में कोई फर्क ना हो, इसे सनत तजनी से ताम कहते हैं। सनत ताम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने
क्या क्या पढ़ा हम ये देखेंगे आज के इस हमारी तदरीस में, ऑनलाइन तदरीस में हमने चार सनतें हमारी पढ़ी हैं। नंबर एक सनते मीरातुन नजीर, सनते इस्तियारा, सनते तजनी से ताम, सनते तजनी से जायद वो नाकिस, और आपने ये कल पढ़ चुका था सनते तलमी, तजबी, तजाद और मुबालगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आपको एक चैट बॉक्स में एक लिंक भेज रही हूँ, इसको हल करें और वो जो है वो ये फॉर्म जमा करें। आप अपने चैट बॉक्स में ये लिंक पर जाएं, या हमारे पास भी, हम जो है वो ये गूगल फॉर्म खोल रही हूँ, आप जो है वो इसको यहाँ पर भी मेरे साथ साथ भी आप इसको हल करते हुए जा सकते हैं हम लोग। चलिए आपकी जो है वो गूगल फॉर्म जो है वो आपका खुला के आप लोग देखिए, मैं भी यहाँ पर जो है वो चैट बॉक्स में आपको डाल रही हूँ गूगल फॉर्म। आपको अभी आपके चैट बॉक्स में स्क्रीन पर नजर आएगा गूगल फॉर्म, हम लोग आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको जो है वो अपने आपको अनम्यूट रखिए और उसके बाद जो है मुझे जवाब दीजिए। मैंने आपके साथ चार जो है वो हमारी सनते जो है वो आज अच्छी तरीके से हुई है, जिसमें सनते इस्तियारा है, सनते मीरातुन नजीर है, और उसके बाद जो है वो सनते तजनी से ताम और सनते तजनी से जायद वो नाकिस। अब आप अपना नाम लिखिए। अभी गूगल फॉर्म आपके साथ जो है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। जब तक मैं आपके साथ जो है वो गूगल फॉर्म जो है वो मैंने शेयर किया है, आपको देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर उसको जूम कर लें। आपको गूगल फॉर्म भरने का तरीका आपको अच्छी तरीके से पता है। आप जो है वो मुझे आप जवाब दें, आप बाद में आपको ये लिंक भेज दूंगी, आप मुझे भर कर दीजिए। अब आपके साथ मैंने जो है वो गूगल फॉर्म आपके शेयर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप मुझे जवाब दें। वो माबूदे यक्ता खुदाए जहां के जिसने किया कुन कुन में कौनो मका। ये कौन सी सन था हमारा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको जवाब को ये करती हूँ होश। अब दूसरा सवाल मेरा, होश व हवास व ताब व तमा दाग जा चुके, होश व हवास व ताब व तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। जल्दी से बताइए कौन सी? मीरातुन नजीर। वेरी गुड, मीरातुन नजीर, वेरी गुड। अभी मैं आपके मार्क्स देखने के बाद आपको जो है वो आज का कुछ सरप्राइज दिया जाएगा। जान दी दीवी उसी की थी, जान दी दीवी उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। कौन सा है? तजनी से ताम। वेरी गुड। कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चर के कोहन कांप रहा है। वेरी गुड। सनते इस्तियारा, एक मोम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। क्या है ये, कौन सी सनत? समझने का, समझाने का। वेरी गुड। सनते तजनी से जायद, सनते तजनी से जायद, ठीक है। अब उसके बाद चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि वजह जामे, यहाँ पर तू क्या था? मुस्तारे लूह था कि मिनहू था कि वजह जामे है? जल्दी बताइए। वजह जामा नहीं, तू वेरी गुड। और चंदा सूरज और तारा मिनहू, वेरी गुड। और खूबसूरत और रोशनी चमक वजह जामे, वेरी गुड। अब उसके बाद जो है वो आप जो है वो नेक्स्ट इसका देखिए, दो मार्क्स के लिए आपको पूछा जा रहा है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। इस्तियारा, वेरी गुड। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तजबी, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर सबमिट करते हैं, देखते हैं हमको कितना मिला है, आपको कितना मिला है हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं अपने पास देख रही हूँ, वेरी गुड, आपको जो है वो 10 में से 10 मार्क्स मिल रहा है, यानी आपने तकरीबन
तमाम जवाबात जो है वो सही दिए, इसलिए आप सब बच्चों को मैं देती हूँ आज जो है वो ये स्पेशल इनाम जो है वो आपको शील्ड दी जाती है, मेडल है आपको, ये मेडल दिया जा रहा है तमाम बच्चों को, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि मैं आपको ये चैट बॉक्स में लिंक भेजूंगी, उसको हल करें और मेरे पास जमा करें, ठीक है। उसके इस तरह से आज हमने जो सीखा है आप उसको जो है वो अपने एग्जाम में अपना यूज करिए, 2 मार्क्स जो है वो अच्छी तरीके से करिए। घर काम में ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए कि मुस्तार लहू मुस्तार मीना और वजह जामी है। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लिए, अब हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस लेसन में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये शील्ड जो है वो दी जाती है। तमाम तालिबे इल्म ने हमारा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सीखा, आपको ये शील्ड मेरी तरफ से, उसके बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे होम स्टे सेफ एंड सेव लाइफ। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। सर मेरा खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस लेक्चर। सभी बच्चे 10 मिनट का ब्रेक ले लें, अभी ये पहला लेक्चर खत्म हो गया है, लिहाजा हम 8:55 को दूसरे लेक्चर के लिए मिलते हैं। तब तक आप 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें। थैंक यू।